हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम जो ट्राइंगल्स हैं उसका पार्ट वन करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने एक जो बेसिक पार्ट किया था कि सारे एंगल्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग्स कौन से होते हैं, ये डिटेल में हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। तो अब जो हम ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल्स का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इन जो पार्ट्स इसके डिवाइड करेंगे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हमारा ये ट्रायंगल्स का पार्ट है तो हमने इस पार्ट को अलग, इसके हम अलग पार्ट लाएंगे, और जो जैसे सिमिलर ट्रायंगल का होगा तो हम हर पार्ट को, हर जो टॉपिक को अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो पार्ट वन है हमारा, इसमें पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है। ये हमने बचपन से पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ए बी, बी सी और ए सी, ये ए बी, बी सी और ए सी जो है तीनों इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हमारे सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ईच एंगल इसका जो होगा 180 डिग्री, ईच एंगल जो होगा 160 डिग्री का होगा। तो ईच एंगल जो हमारा 60 डिग्री का है, और हमें ये पता है चाहे हमारा ट्रायंगल कैसा भी ट्रायंगल हो तो, लेकिन हमारे जो तीनों एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे हमारा कोई भी ट्रायंगल हो लेकिन तीन जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है, एसी इक्वल है बीसी के, और जो एक जो लास्ट साइड है वो अनइक्वल साइड होगी, तो अनइक्वल साइड है हमारी एबी। तो हमने पढ़ा है ये बचपन में कि जो सम होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। ये हमने अभी भी रिवाइज किया है, ए बी और सी तीनों मिला के 180 डिग्री के होंगे। अब एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा तो इसमें क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि ये क्या है, एसी और बीसी इक्वल है। आप इस साइड को देखो, बीसी, बीसी साइड है, बीसी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, जो बीसी साइड है उसके सामने आपको दिख रहा है ए एंगल। अब एसी साइड को देखो, अगर हम एसी साइड को यहां से देखेंगे तो एसी के सामने हमें कौन सा एंगल दिख रहा है, इसके सामने देखो, सामने हमें बी दिख रहा है। तो जो दो साइड्स इक्वल होंगी, यहाँ पे एसी और बीसी इक्वल है, तो उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसके अंदर क्या है, हमारा एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। ये कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, 10, 20, 25, कितने भी डिग्री के हो सकते हैं। बस क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम जो होगा, ए बी और सी का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारा एक फैक्ट है, ये थ्योरम है हमारी पूरी कि जो ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लेते हैं हम कि बी इसके अंदर 90 डिग्री का है, तो जो राइट एंगल होता है हमारा, जो 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली जो हाइट, उसके सामने जो साइड होती है, हम उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये हमारा बी है, बी के सामने वाली साइड कौन सी है, बी एंगल के सामने साइड हमें एसी दिखाई दे रही है, तो हम एसी को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारी। और हमें जैसा पता है एंगल ए बी और सी तीनों का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल बी उसमें फिक्स हो गया, क्योंकि ये जो साइन होता है ना, ये ऐसे ट्राइंगल ऐसे जो ये साइन है एक स्क्वायर की तरह, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये साइन होता है हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, बाकी जो हमारे ए और सी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों का सम मिला के 180 डिग्री रहेगा। तो एंगल बी के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, जो उसके सामने होगी, और एक क्या होगी, जो जिससे जो साइड पे है वो, यहाँ ए बी जो बी साइड पे है, तो बी के ऊपर वाले साइड जो हो जाएगी, ऊपर पेंडिकुलर हो जाएगी, और नीचे जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा।
अब लास्ट है हमारा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है हमारा? स्केलन ट्रायंगल होता है हमारा जिसके अंदर तीनों एंगल जो है वो अनइक्वल होते हैं, कि जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि तीनों साइड्स जो है वो अनइक्वल है, एक भी साइड हमारी इक्वल नहीं है। अगर साइड ही इक्वल नहीं है तो उनके एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, और इन सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो अब हमने बेसिक कर लिया है, तो ये हमारा टाइप वन स्टार्ट हो जाता है। यहां से इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट है हमारा, तो ये जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। तो टाइप वन में है हमारा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू देयर एक्सटीरियर एंगल, कि दो इंटीरियर एंगल का सम उनके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं, आप उसको अच्छे से देख लेना। अब जैसे ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूं आपके सामने, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और इसका नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी। अब मैं इस लाइन को अगर फर्दर थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ये सी को मैंने यहां एक्सटेंड कर दिया एक्सटीरियर के लिए, यहां ए को एक्सटेंड कर दिया एक्सटीरियर बनाने के लिए, यहां हमने बी को एक्सटेंड कर दिया एक्सटीरियर बनाने के लिए। तो अब इसकी हम नेमिंग कर देते हैं कि ये वाला जो एंगल है, अब यहां पे आप देखेंगे एंगल ए, ये जो एंगल ए क्या है हमारा? इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर होता है जो अंदर का होता है, जो एक ट्रायंगल के अंदर के एंगल होते हैं उन्हें इंटीरियर कहते हैं, जो बाहर की तरफ के एंगल होते हैं उनके वो एक्सटीरियर। जैसे ए का इंटीरियर ये अंदर होगा, ए का एक्सटीरियर बाहर होगा। एक सी का इंटीरियर इस ट्रायंगल के अंदर होगा, क्लोज्ड सरफेस में होगा, जो चारों तरफ से बंद हो वो, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ओपन सरफेस पे होगा। ये क्या है? ये एक्सटीरियर होगा। ऐसे बी में देखिए, बी का इंटीरियर ये अंदर वाला और एक्सटीरियर इसका बाहर वाला। तो अब इसमें हमें बोला है कि दो इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होंगे? उनके एक्सटीरियर के। अब यहाँ इंटीरियर क्या है हमारा? ए, और यहाँ पे ये इंटीरियर आप देखिए बी। हमने ये दोनों इंटीरियर ले लिए। अब इन दोनों का एक्सटीरियर क्या है? सी है हमारा। तो ये दोनों का जो सम होगा, जो सम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने इसको नेम कर दिया, हमने एक्स लिख दिया इसको, एक्स अज्यूम कर लिया। तो जो सम होगा एंगल ए का सम और एंगल बी का सम इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल ए और बी क्या है हमारे? इंटीरियर हैं, और एंगल सी क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल है। तो ये ए और बी किसके इक्वल हुए? सी के। तो ऐसे ही हम फर्दर अपना दूसरा भी बता सकते हैं। अब दूसरे आप देखिए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और सी देखा आपने, यहां हमने इसको नाम दे दिया, मान लो ये ए का एक्सटीरियर, इसको जेड नाम दे दिया। तो एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और ये देखो, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, इन दोनों इंटीरियर का एक्सटीरियर कौन सा होगा? ये इसके सामने जो है ये जेड है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या है? दोनों हमारे इंटीरियर एंगल, और इनका सम किसके इक्वल है? हमारे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। अब ऐसे ही आप हमारा ये वाला देखिए, एंगल ए और एंगल सी, ये एंगल ए और एंगल सी दिख रहा है, एंगल ए और एंगल सी इंटीरियर है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? ये बाहर एक्सटीरियर वाले, बी का एक्सटीरियर यहाँ पे क्या है? ये। तो हम इसको लेट कर लेते हैं वाई, तो ये किसके इक्वल है? एंगल वाई के इक्वल है। तो ये क्या है हमारा? इंटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ देयर एक्सटीरियर। तो ये दोनों इंटीरियर है, इन दोनों इंटीरियर का ऑपोजिट कौन सा है? एक्सटीरियर। तो ये इक्वल है। तो अब हम एक बार ये, हमने ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया हमारा कि टू इंटीरियर इक्वल होते हैं ऑपोजिट ऑफ देयर एक्सटीरियर। अब हमारा जो फर्दर एक और रिजल्ट देखते हैं हम, कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि एंगल ए जो सम होता है हमारा ट्रायंगल का, ये होता है हमारा 180 डिग्री। कि क्या है? ये हमारा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यानी ए बी सी क्या हो गया? ये 180 डिग्री हो गया। अब हम ए बी सी,
ए बी सी, अब ये हमारे हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की जगह आप देख पा रहे हैं, ए और बी, हम ए और बी की जगह अगर हम सी रख दें तो क्या हो जाएंगे, 2C बराबर 180 डिग्री, तो C क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा एक रिजल्ट है। और क्या है, हमने लीनियर पेयर के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये एंगल C है हमारा और एंगल X है, एंगल C और एंगल X क्या है, ये हमारा ये भी 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री कैसे है, ये हमारे लीनियर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल है ये। तो ये आप अब देखिए, दोनों में LHS और RHS, LHS RHS दोनों की RHS इक्वल है, RHS ये राइट हैंड साइड, ये LHS होती है, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम LHS भी हमारी इक्वल होगी, तो देयरफोर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल एक्स के। तो अब ये दोनों साइड हमारा एंगल सी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल ए प्लस बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो हमने ये क्या है, प्रूफ, ऐसे ही हम अदर केसेस भी कर लेंगे, तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारे जो जो टू इंटीरियर होते हैं वो एक्सटीरियर के इक्वल कैसे होते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट ये जो टाइप का जो रिजल्ट है, ये वाला टाइप क्लियर हो गया कि ये कहाँ से आया, हमें पता चल गया, तो ये हमारा टाइप वन का रिजल्ट है। अब हम आगे अगर आप देखें तो ये देखेंगे हम एंगल बी, इसमें क्या है हमारा एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, हम यहाँ पे अगर एक साइड लिखें एंगल ए प्लस एंगल बी और हम ऐड कर देते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों हमने लिए, ये आप देख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी लिया और हमने एंगल ए प्लस एंगल सी, हम इन दोनों को अब लेके चल रहे हैं, इन दोनों को हमने लिया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। अब आप इसके अंदर देखेंगे, अब दो एंगल ए हो गए, एक बी हो गया, एक सी हो गया, और हमारा जो बाकी है एंगल एक्स प्लस वाई। तो अब हमने ये थ्योरम यहाँ पे लिखी भी है, ए बी सी, ए बी सी तो क्या होते हैं हमारे 180 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और एक एंगल ए हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये तीनों क्या हो गए हमारे 180 डिग्री, ये ऊपर से प्रूव है ये, तो ये 180 डिग्री प्लस एंगल सी एंगल ए, ये हो गया हमारा नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस वाई के दो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, ये एक हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया, ये फर्स्ट रिजल्ट है हमारा, ये हमारा सेकंड रिजल्ट है कि दो एक्सटीरियर एंगल एक्स और वाई के टू एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, टू एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होगा हमारे 180 को हम पाई लिख सकते हैं, पाई सी, या हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस जो हमारी जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल बचेगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने अगर यहाँ एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल एक्स और वाई किसके एक्सटीरियर हैं, बी और सी के, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग ए इंटीरियर बचा, तो हम ए प्लस 180 डिग्री लिखेंगे। ऐसे ही ये तो एक पूरी हमने डिटेल में किया है कि कैसे आया, आपको ऐसे ही लर्न करके रखना है। ऐसे अब आप ये देखिए, एंगल ए और एंगल बी का एक्सटीरियर क्या है, यहाँ पे वाई और जेड है, y और z एक्सटीरियर तो किसके इक्वल होगा, 180 प्लस कौन सा इंटीरियर बचा, c बचा, ऐसे ही यहाँ होगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि सम जो होता है टू एक्सटीरियर एंगल का वो इक्वल होता है 180 डिग्री प्लस रिमेनिंग जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बच जाता है उसके, ये हमारा सेकंड रिजल्ट इसके अंदर आ गया है। तो अभी हमें टू जो रिजल्ट है वो क्लियर हो गए हैं, अब हम अपना एक बार थर्ड रिजल्ट देख लेते हैं।
हमने लास्ट क्लास में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा था। तो आप ये देखिए कि ये जो एंगल एक्स है, ठीक है, अब अगर मैं ये वाली जो लाइन है इसको फर्दर एक्सटेंड कर दूं, तो ये एक्स और ये दोनों, ये एक्स हम यहां भी लिख सकते हैं, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ऐसे अगर इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये वाई यहां आ जाएगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल माना जाएगा। ऐसे अगर इस लाइन को यहां फर्दर मैं यहां एक्सटेंड कर दूं तो ये जेड हो जाएगा। तो हमने ऐसे इसलिए क्या देखा कि ये वाई वाई, एक्स एक्स और जेड जेड, तो ये इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सम है हमारा, सम ऑफ थ्री एक्सटीरियर एंगल, जो तीन एक्सटीरियर एंगल जो है उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है, हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमारा थर्ड रिजल्ट है कि आपको ये याद रखना है कि जो तीन एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका जो सम है हमारे किसके इक्वल होगा, वो हमारे 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे तीन कहाँ पे, ये एक्स वाई और जेड लिया है, एक्स वाई जेड 360 डिग्री, और अगर हम दोनों एक्स दोनों वाई दोनों जेड लें, यानी सब कुछ ट्वाइस हो जाए, मान लो मैंने 2x 2y प्लस 2z लिया, तो यहीं पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी इसका सम हमें डबल करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 720 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल ऑन बोथ साइड जो होगा वो 720 डिग्री होगा। इतना बस आपको मेनली ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन इसमें यही था कि टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है, और मेनली आपको एंगल पता होने चाहिए, बस ये थोड़ी डिटेल है, ये डिटेल अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिजल्ट याद रखने हैं कि रिजल्ट वन है ए और बी इक्वल टू एक्स, दो इंटीरियर बराबर एक एक्सटीरियर, और दो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री प्लस जो रिमेनिंग इंटीरियर होगा, और जो तीनों एक्सटीरियर का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, एक्स वाई जेड, और डबल 2x 2y 2z हो जाए तो 720 डिग्री हो जाएगा। ये तो अब ये है हमारा, अब हम चलते हैं अपने टाइप टू के ऊपर। अभी ये आप हमारा जो ये टाइप टू है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, कि एंगल ए और बी का जो इंटीरियर बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है अपने आप को ओ पे, तो हमें बीओसी निकालना है। तो अब हमें ये लाइन कुछ समझ नहीं आई, आपको क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ना है और जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करनी है। तो इसमें बोला है इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ए और बी, यानी एक पहले ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है, पहले हम एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल का नाम है हमारा एंगल ए बी और सी। अब इंटीरियर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, ये वर्ड जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटीरियर बाइसेक्टर का मतलब होता है जब कोई भी एंगल बिल्कुल इक्वली हम उसे डिवाइड करते हैं। इंटीरियर बाइसेक्टर मतलब अगर ये मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल ये वाला जो एंगल है हमारा मान लो ये 60 डिग्री का है, और ये हमें इंटीरियर बाइसेक्टर बोला है, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल इसे इक्वली डिवाइड करना चाहती हूँ। इंटीरियर बाइसेक्टर का मतलब बिल्कुल टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देना इंटीरियर बाइसेक्टर है। इंटीरियर बोला क्योंकि जो ये हमारा ट्रायंगल है ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस यानी अंदर की तरफ, तो ये इंटीरियर बाइसेक्टर करके ये दोनों मैंने 30 डिग्री में डिवाइड कर दिए। अगर मान लो ये बी है और अब बोला कि बी का इंटीरियर बाइसेक्टर करो, और जो बी है हमारा 80 डिग्री का है, तो अब मुझे इसका इंटीरियर बाइसेक्टर करते ये दोनों 40-40 में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब ये जो क्या होता है, तीनों एंगल का सम जो होता है
वो 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों 140 हो गए, तो बाकी ये एंगल सी कितना बचा यहाँ पे, एंगल सी हमारा बचा 40 डिग्री। अब हमें बोला कि एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर करो, तो हमने सी का कर दिया। सी का इंटीरियर बाइसेक्टर करेंगे तो ये 20-20 हो जाएंगे। तो इंटीरियर बाइसेक्टर का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि इंटीरियर बाइसेक्टर बी और सी का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम ड्रॉ कर देंगे। हम क्या कहते हैं, ये एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल सी का इंटर बाइसेक्टर, एंगल सी है ये, इसका बिल्कुल बीचों से निकालेंगे। ये दोनों इंटीरियर बाइसेक्टर जो है इनके, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब दोनों काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ इस ओ पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ओ पॉइंट हो गया। अब हमें पूछा है एंगल बीओसी, यही वाला एंगल हमें, जो एंगल बीओसी हम रेड पेन से कर लेते हैं मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंगल बीओसी निकालना है। अब आप देखेंगे तो ये हमारी एक थ्योरम है, इस थ्योरम में आपको हमेशा याद रखना है, अगर दो एंगल हमारे इंटीरियर बाइसेक्ट करेंगे, जो जो थर्ड वाला होगा उसका सम जो है, पहला हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, डिटेल में, फिर ये डिटेल फर्स्ट टाइम है आपकी, फिर आपको दोबारा याद नहीं रखनी है, एक बार डिटेल में करते हैं। तो अब हम इसको पहले डिटेल में देख लेते हैं, फिर आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है इसका। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, हमने बार बार यही पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर का मतलब लिख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग है हमारा कि एंगल जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंगल डिवाइड होते हैं इसके अंदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि दो इक्वल पार्ट में एंगल को जो डिवाइड कर दे उसका नाम एंगल बाइसेक्टर। अब इस एंगल को अब हम मान लेते हैं, ये हमने थीटा मान लिया, एंगल बीओसी को हमने थीटा लेट कर लिया। अब हमने पढ़ा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होता है हमारा 180 डिग्री, की कोई भी क्लोज्ड जो है ट्रायंगल है उसका सम 180 डिग्री होगा। और बाकी हम ये छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये तो हमारा है ट्रायंगल एबीसी में हम बात कर रहे हैं। अब हम छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बीओसी में देखते हैं। अब ये इंटीरियर बाइसेक्टर है तो ये पूरा तो भी है, अभी मैंने यहाँ करके दिखाया है, इक्वल इक्वल डिवाइड करता है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बी बाय टू हो जाएगा, यानी बी का हाफ क्या होगा, बी बाय टू, सी का हाफ क्या होगा, यहाँ पे सी बाय टू हो जाएगा। तो अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी बाय टू प्लस थीटा प्लस सी बाय टू, तो ये भी क्या होंगे हमारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ देख लेते हैं, थीटा प्लस हमने बी प्लस सी और ये एलसीएम आ गया 2, यहाँ लिखा हमने 180 डिग्री। अगर हम इस वाले को आगे प्रोसेस कर दें तो ये क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी एंगल ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ एंगल बी और एंगल सी की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं इस वाले को, तो हमने थीटा की जगह थीटा लिखा, बी और सी की जगह हमने क्या लिखा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन में 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब क्या रहेगा, थीटा तो यही रहेगा। अब हम ये इस 2 को डिवाइड कर देंगे अलग अलग, यानी 180 से डिवाइड होगा, 180 अपॉन में 2, इसको सेपरेट कर दिया यहाँ ए बाय टू। अब ये कट जाएगा 90 पे, तो यहाँ आ गया हमारा थीटा प्लस 90 डिग्री और यहाँ माइनस ए बाय टू अपॉन में 180 डिग्री। अब ये फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, ये थीटा हमारा यही रह गया और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 180 माइनस इतना तो आता ही होगा, प्लस माइनस करना, एंगल यहाँ यहाँ माइनस में ए बाय टू, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यहाँ आ गया हमारा 90 डिग्री प्लस ए बाय टू, ये थीटा, थीटा की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, बीओसी, तो ये आ गया बीओसी हमारा 90 डिग्री अपॉन में ए बाय टू। तो ये क्या है हमारा रिजल्ट है, क्या है ये हमारा रिजल्ट। अब कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ये अगर आपको, इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। बी और सी बोला तो थीटा हमने क्या निकालना है, सीधा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
हम लिखेंगे 90 प्लस ए बाय टू, जो इसके सामने जो एंगल होगा 90 लिखेंगे और उस सामने वाले एंगल का हाफ कर देंगे तो वही ये बीच वाला एंगल हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई भी एंगल यहां से इसका भी निकाल सकते हैं तीनों का। अगर ए और बी बाइसेक्टर कह रखा होगा तो 90 प्लस, अभी हम इसको इसी में देख लेते हैं, पर अगर मैं डॉट डॉट कर दूं और ये वाला है, मान लो ये वाला पूछ लिया, अल्फा पूछ लिया, तो ये कैसे निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा 90 प्लस सी बाय टू निकल जाएगा। अगर ये मान लो ये गामा मान लिया इसे, इसके बारे में पूछ लिया, तो ये क्या निकल जाएगा? 90 प्लस बी बाय टू निकल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे एक बार फाइनल रिजल्ट ऐसे इधर यहाँ लिख के रख लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल दे रखा होगा, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ आपके लिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये तीनों ही इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ए बाय टू होंगे, बी बाय टू, सी बाय टू, ये हम ऐसे बी बाय टू लिख सकते हैं, इसे हम सी बाय टू लिख सकते हैं, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए बाय टू लिख सकते हैं। अब आप अगर मान लो ये ओ है, हमें निकालना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी हम निकालेंगे 90 प्लस सी बाय टू, एंगल बी ओ सी कैसे निकालेंगे? 90 प्लस ए बाय टू, एंगल ए ओ सी निकालेंगे, एओसी 90 प्लस बी बाय टू। तो ये रिजल्ट है हमारा, इसे आपको लर्न करना है और याद करना है, और इसके रिलेटेड जो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं वो क्वेश्चंस दो लिख देती हूँ और वो आपको खुद से सॉल्व करके देखने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करना है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें सिंपल अगर मैं एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, जस्ट समझा देती हूँ। इसमें बोला है पहले वाले में कि एक एबीसी ट्रायंगल है, उसका इंटीरियर बायसेक्टर, इंटीरियर बायसेक्टर मतलब इक्वल एंगल डिवाइड होंगे यहाँ बी और सी, और इंटरसेक्ट कर जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करना है। फर्स्ट का हमने ड्रॉ कर लिया, ये एंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी बनाया। अब इस ट्रायंगल एबीसी में बोला है हमें कि बी और सी बायसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे? ओ पे, एंगल एंगल बायसेक्टर है, यानी कि ये दोनों इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये पूरा बी बाय टू है और ये सी बाय टू है। अब आपको पूरा सोल्व नहीं करके दिखाना, बस जो हमने रिजल्ट निकाले हैं इस रिजल्ट को याद रखना है। और हमें पूछे कहा है कि जो एंगल ए है इसके अंदर वो 50 डिग्री हमारा गिवन है, और हमें पूछा है एंगल बीओसी निकालना है। बीओसी सो सिंपल है, निकाल लोगे सीधा, क्या लगा देंगे हम 90 प्लस ए बाय टू इक्वल टू एंगल बीओसी हो जाएगा। तो यहाँ 90 और ए कितना गिवन है हमें, 50 बाय टू लिख देंगे एंगल बीओसी, तो एंगल बीओसी क्या आ जाएगा हमारा, ये 25 हो गया, और तो यानी 90 प्लस 25 115 डिग्री ये आ गया। ऐसे ही अब ये देखो दोबारा यहाँ बोला है ट्रायंगल एबीसी है, ड्रॉ कर दो जैसे जैसे बोलता है वो। ट्रायंगल एबीसी हमने ड्रॉ किया, ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पे बोला है कि इंटीरियर बायसेक्टर ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटीरियर बायसेक्टर, ये ए और ए किसका बोल दिया हमें, ए और बी बोल दिए, तो नीचे ए और बी ले लो, ए और बी ले लिया, ये ऊपर मैंने सी कर दिया। अब ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और एंगल ए ओ बी अब की बार ये बीच, अब की बार एंगल गिवन है और ऊपर वाला एंगल पूछ लिया, तो वही ये रिजल्ट आपको वही रखना है, यहाँ पे बस नाम बदल जाते हैं। अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, 90 प्लस सी बाय टू के इक्वल होगा। अब एंगल ए ओ बी गिवन है तो यहाँ 125 रख लेंगे, या 90 प्लस सी बाय टू ऐसे ही रहेगा, हमें एंगल सी ही पूछा है, तो 125 और यहाँ 90, यहाँ माइनस में आ जाएगा ये सी बाय टू, 125 में से कितने गए, 90 गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में से ये 30, और यहाँ डिवाइड में तो 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो एंगल सी क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, पूरा थ्योरी याद रखने की कोई नीड नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना अदर टाइप टू, हम टाइप थ्री के बारे में पढ़ेंगे, टाइप थ्री एंड टाइप फोर। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और
ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।